लॉयड, वीजल, मूस, अच्छी शर्ट है। क्या ये सिल्क है? नहीं, कॉटन है। बहुत दिन बाद नजर आए, कहाँ गए थे? शहर। ये क्या है? हाँ देखो, तुम अपना काम करते हो और मैं अपना। Thank you.
मदद चाहिए क्या बच्चे? नहीं नहीं हाँ मतलब बाहर जाने का रास्ता पता है? नहीं मुझे भी नहीं मजाक कर रहा हूँ चलो। सुनिए मैंने अभी अभी एक भालू देखा। अच्छी बात है। नहीं नहीं पोलार बेर नहीं वो एक सफेद भालू था, क्या आपने कभी देखा है? मजाक कर रहे हो ना? नहीं वो सफेद था। यहाँ किसी ने स्पिरिट बेर नहीं देखा है? स्पिरिट बेर? हाँ स्पिरिट बेर। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है कहाँ पे? तुमने उसकी फोटो खींची? नहीं खींची लेकिन कोशिश की थी। अच्छा चलो चले। सुनिए तो ये स्पिरिट बेर है। हाँ सिर्फ 300 बचे हैं। यहाँ से पश्चिम के किनारे पर रहते हैं वो प्रिंसेस रॉयल आइलैंड पर। किसी ने यहाँ बहुत मेहनत की है। इतने पेड़ों को काटा गया वो भी एक साथ? ये तो कुछ भी नहीं है बच्चे, यहाँ से पश्चिम में हजारों पेड़ों को एक साथ काट रहे हैं। पता है क्यों? लोगों को टेबल कुर्सी जो चाहिए। ये वही जगह है जहाँ भालू रहते हैं या कहो रहा करते थे। क्या तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ? मेरा टूट गया है। हाँ जरूर। ये थैंक्स। मैं हूँ लॉयड ब्लैकबर्न आरपीएस से। रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सोसाइटी? हाँ। सुरक्षा विभाग? आपका काम बचाना है जंगल को, जानवरों को, फिर ये? तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरा मतलब किसी को गवर्नमेंट में शिकायत करनी चाहिए। तो तुम लिख दो ना, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फोटो डेवलप करा के मुझे फोन करना। अब चलो भी, बाहर का रास्ता इस तरफ से। तो बच्चों मेरा नाम स्टार है, तुम मुझे मिस स्टार बुलाओगे, और मेरा विषय है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और जिसका सवाल है पश्चिमी दुनिया कैसे आगे बढ़ी है पॉलिटिकली सोशली और इकोनॉमिकली। तुम खड़े क्यों हो? इस बार स्टूडेंट कुछ ज्यादा हैं। कमाल है, ये रही तुम्हारी कुर्सी। एक्सक्यूज मी तुम्हारा नाम? साइमन जैक्सन। साइमन जैक्सन? हाँ। ओहो तो आप हैं वो। हाँ तो चलो पहले सवाल का जवाब कौन देगा? तुम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ओहो नहीं पता। कल से तुम चेयर पर नहीं नीचे बैठोगे, समझे? और कोई बता सकता है? कम ऑन बताओ भी। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो जंग के खिलाफ बड़ी बहादुरी से खड़ी हो गई थी, इसीलिए जंग रुकी नहीं थी। दुनिया को बदलने के लिए जानकारी और अलग सोचने वाले इंसानों की जरूरत है। चलो हमारे बीच एक शख्स है जिसने ऐसा काम किया है, कम से कम कोशिश तो की है। देखूं एक आर्टिकल था जरा। हाँ मिल गया, ध्यान से सुनिए। संपादक महोदय, मैं 15 साल का एक स्टूडेंट हूँ और फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। पिछली छुट्टियों में एक पिकनिक के दौरान मैंने एक सफेद भालू देखा था जो प्रिंसेस रॉयल आइलैंड में है। हालांकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, उन्हें स्पिरिट बेयर्स के नाम से जाना जाता है, और पेड़ों की कटाई के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। अब ये देखो एक फोटो भी है, अच्छा है ना? कृपया इस जानवर की सुरक्षा के लिए पर्यावरण मिनिस्टर सजाला सबनिस के पास आवेदन करें, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका साइमन
जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, कृपया खड़े हो जाएंगे आप? हाँ। तो साइमन, तुमने ये क्यों लिखा? मैं कुछ करना चाहता था। कुछ करना चाहते थे? मतलब मदद करना भालू की। ओके। इस आर्टिकल के साथ तुमने ये फोटो भी बहुत अच्छी ली है। बहुत दिनों बाद मैंने अल्बाइनो भालू को देखा है। असल में वो अल्बाइनो बैर नहीं है, वो एक स्पिरिट बैर है। और से हमारे कानोस कमोडी, कमोडे बैर भी कहते हैं, क्योंकि फ्रांसिस कमोडे ने इसे नाम दिया था, जिसने इसकी खोज की थी लगभग 100 साल पहले। इंटरनेट पे था। उनकी संख्या बहुत कम है, सिर्फ कुछ 100 बचे हैं, और वो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। वाह, क्या बात है ना? तुमने लिखा है कि वो खतरे में है? लंबर इंडस्ट्री के कारण उनके जंगल की कटाई हो रही है। बकवास। ओ, तुमने कुछ कहा? हेलो मिस्टर भालू रक्षक, इसी लंबर इंडस्ट्री से पेपर आता है जिसपे तुम लिखते हो, समझे मिस्टर होशियार? लेकिन भालू भी बेचारे भालू मासूम है। मासूम? भालुओं के लिए जंगल में काफी जगह है, और उस उद्योग से कितने घर चलते हैं यहाँ। शायद तुम जानते नहीं कि वो यहाँ की नंबर वन इंडस्ट्री है। वो पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या 13,000 करोड़ से भी? मुझे बस करो, गलत जानकारी है, बहुत टाइम वेस्ट किया है तुमने। ओके बस, तुम सब तो संसद के नेताओं की तरह आपस में बहस कर रहे हो। ओके। हाँ तो मिस्टर जैक्सन, मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, वरना तुम्हारी उम्र के बच्चे सरकार को कभी लेटर नहीं लिखते हैं। हाँ बस ड्रिंक करने की उम्र घटाने के लिए जरूर लिखते होंगे। ओके चलो ठीक है ठीक है, अपनी अपनी बुक्स खोलो। आज किसकी बारी है खड़े होके पढ़ाने की? ओह, आप थोड़ी जल्दी आ जाती। किसका फोन था? वही था। ओह मिस्टर जैक्सन, और साथ ही आई है बच्चों की चिट्ठियां। तुम किसके लिए काम करती हो? और पोस्टर वालों ने सैंपल भेजा है, कौन सा वाला अच्छा है? चुनाव प्रचार के लिए? ये वाला अच्छा है और ये वाला बेकार। क्या है? तुम कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलो, क्या कर रही हो? ओके। मार्कस, हम क्लास में मिले थे। हाँ तो यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है तुम्हारे पास? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ये क्या है, तुम्हारे पास डिजिटल कैमरा नहीं है? इसे छोड़ दो। अगर तुम्हें लोगों को इसके बारे में बताना है तो शायद कुछ बड़ा सोचना होगा। उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो इसके लिए तुम्हें कुछ पोस्टर पेपर्स चाहिए? देखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? मुझसे क्या प्रॉब्लम है? देखो, लेटर लिखने और बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने से कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ हटके करो जैक्सन, जो बिल्कुल ही अलग हो।
हेलो, कोई है? हेलो हेलो हेलो, तुमने फोन किया था? तुम लेट हो। यहाँ क्यों बुलाया है? पकड़ो इसे। जैक्सन, ये क्या है? ये तो फंसा देगा। जल्दी चलो। ओके बाबा। जैक्सन, मांग क्या लाया? ये मुझे दो। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ स्पिरिट बेयर के बचाव के लिए आया हूँ, जो प्रिंसेस रॉयल आइलैंड पर ही रहते हैं। पेपर की वजह से जंगलों के काटे जाने से उनकी संख्या कम हो गई है, वो बहुत खतरे में है। प्रिंस विलियम ने आपसे क्या कहा? स्पिरिट बेयर के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम बताओगे कि तुम कौन से? अभी फिलहाल उनकी संख्या कुछ 300 ही बची है। And everybody's crying. How are we to explain things? Easy, easy. Neurotic psychotic and anxious has a term about the human language and finally finds the words to say. Easy, easy. Confessions can you over time. Confess your love, leave me behind. Give me love all that. Hello, huh? क्या मैं फ्रैंक प्रोड्यूस से बात कर सकता हूँ? आप बता सकते हैं वो कब आएंगे? आप उन्हें बता सकते हैं तो प्लीज बताइए कि साइमन जैक्सन ने कॉल किया था स्पिरिट बेयर के सुरक्षा के लिए। हाँ, मैंने पहले भी बहुत बार कॉल किया है। थैंक्स। ओके बाय। हेलो मिस्टर भालू रक्षा, तुम्हारी गाड़ी की चाबी। ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये जूनियर स्कूल के, ये आसपास के शहर के। स्टोर रूम में जगह नहीं बची है। आप लेंगी? थैंक्स। प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, ये जाकर वेल्स को क्यों नहीं बचाते? ये भालू रक्षक काफी मशहूर हो गया है। उधर पेड़ों की कटाई के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं, CLL। हाँ, और चुनाव भी सर पर है। मुसीबत है। हमारे लिए मुसीबत नहीं है, प्रड्यू के लिए है। उसे फोन लगाओ। ओके।
साइमन, पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम्हें फोन क्यों किया गया है? बैठो। ये है हमारे प्रिंसिपल मिस्टर होल। साइमन, तुमने कई पर्दे फाश किए हैं। हमें एक लेटर मिला है और एक कॉल भी आया है फ्रैंक परड्यू से। वो है सीएलएल में, कॉन्टिनेंटल लॉग और लंबर संस्था, वो पेड़ों की कटाई करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। तुम्हारे भेजे गए लेटर, प्रिंस से मुलाकात। हाँ। मिस्टर परड्यू को लगता है कि तुम्हें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। वो तुम्हारे साथ डिबेट करना चाहते हैं। वाओ। यहाँ स्कूल में लाइव कवरेज। ओह। अगले हफ्ते। क्या? तैयार हो जाओ। क्या क्या अगले हफ्ते? इस तरफ आना। कैसी हो तुम? स्पिरिट बेयर की संख्या काफी कम हो चुकी है। उन्हें बचाने के लिए हमें पेड़ों की कटाई को कम करना होगा। और क्या था साइमन? ओ, बस 5 मिनट। नर्वस हो? हाँ, सब ठीक होगा। थैंक्स। सब ठीक होगा। अच्छा सुनो, अब टू शॉट लगा। गुड आफ्टरनून, और आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में। इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर फ्रैंक परड्यू का। All the best, Betty. Thank you, ladies and gentlemen, students. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहानियों में सुना है एक अद्भुत भालू के बारे में, जो पेड़ों और झीलों से घिरे जंगल में रहता है, जो ऊपर वाले ने उनके लिए बनाया है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि धरती कभी सफेद बर्फ से ढकी हुई थी, ऊपर वाले ने हर 10वें भालू को सफेद कर दिया। फिर ऊपर वाले ने एक फरमान जारी किया कि वो सफेद भालू वहां हमेशा उसी जंगल में शांति से रहेंगे। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होने के कारण सफेद भालू इंसानों को दुश्मन नहीं मानते, और हमारा प्रिंसेस रॉयल आइलैंड ही ऐसी जगह है जहां सफेद भालू को जिंदा रहने के लिए सारी जरूरी चीजें आसानी से मिल जाती है। तुमने ये सब कहां सुना है? अपने रिसर्च के दौरान मैंने पुरानी कहानियों को पढ़ा। अच्छा, कहानियों में? एक कहानी बच्चों को खुश करने या उन्हें सबक सिखाने के लिए कोई भी लेखक लिख सकता है, पर वो करोड़ों रुपए की रिसर्च जो जाने माने वैज्ञानिक करते हैं उसको झुठला नहीं सकता। और उन्हें पैसे कौन देता है? सरकार को इसमें पर्यावरण पर खतरा लगता तो क्या वो पेड़ों को काटने का लाइसेंस देती? लेकिन शायद ऐसा बिल्कुल नहीं देती। अच्छा साइमन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कभी उस आइलैंड पर गए हो? अब नहीं गया, लेकिन मैं कई बार वहां गया हूं और मैंने वहां का निरीक्षण भी किया है। मेरा यकीन कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां भूरे भालू, काले भालू हजारों सालों से रहते आ रहे हैं और कई सदियों तक रह सकते हैं। और हमारी संस्था पर्यावरण को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और हमें पता है कि आज की तारीख में पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है। पता है? अच्छा, आपके इन कामों की वजह से अंजाम हमारी इस युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। साइमन,
इस उद्योग पर सवाल उठाने के पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इस क्षेत्र में इस पर कितने लोग निर्भर हैं। 45 अरब रुपए कमाने वाले उद्योग को किसी अल्बाइनो भालू के लिए क्यों बंद करें? सिर्फ इस बिना पर कि उस भालू का रंग सफेद है। हजारों घरों को चलाने वाले उद्योग को खत्म करना जायज है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। जरा इसके बारे में भी सोचना। अब आज के दूसरे पहलू के बारे में सोचें तो साइमन की तरह युवा पीढ़ी ऐसी चीजों के लिए खड़ी हो रही है, ये अच्छी बात है। और आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साइमन। पता है जब मैं दुखी होती हूँ तो क्या करती हूँ? चोरी। मैं बहुत बुरी तरह हार गया। इतना ज्यादा मत सोचो जैक्सन। फ्रैंक जैसे हाई लेवल चोरों से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। और तुम्हें पहले से पता था कि वो कितना चालाक है। तुम्हें पता था ना? पर मैं तो सही था ना? सही? रजियो। वो बहुत अमीर है, बड़ी कार्स, महंगे जूते। कब तक उसका शौक मनाओगे? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है जैक्सन। जिस आदमी के लिए कोई पुरानी कहानी सिर्फ लेखक की कल्पना है, वो बेचारे भालुओं के बारे में क्या सोचेगा? उनके लिए ये सब मजाक है। ये लड़ाई आसान नहीं है, ये पैसों का खेल है। और उन कॉरपोरेट चोरों के लिए ये बड़ा जंगल सिर्फ पैसे कमाने का खजाना है। हाँ, लगता है मुझे भी उनकी तरह सोचना होगा, किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले जंगल के लुटेरों की तरह। अगर इससे बात बनती है तो ठीक है। उनकी तरह सोचना है, लेकिन इससे वो सही नहीं हो जाते। हाँ तो मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए। बस पागल मत होना। ये वाला दबाओ जोर से। हाँ जोर से। रुको 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 रुको। अच्छा, आप संभाल के पीछे लो, लेकिन दाई ओर लेना। रुको रुको, ठीक है, आप बाएं। ओके, अब आगे जाओ। ठीक है, बस 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 बस, रुको 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 रुको। ओके ओके, यहीं पार्क कर। ठीक है, पार्क करो। ओके, इंजन बंद करो। क्या कर? सॉरी, बंद करो।
मैं साफ कर दूंगा। ओके ओके चलो देखते हैं। ठीक है पर सही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। और डैड कुछ पैसे मिलेंगे? थैंक्स। वेल तुम कमाल हो एलिस। पता है हम इन जंगलों को बचाने की कई सालों से कोशिश करते आ रहे हैं। तुमने उस शातिर आदमी को चैलेंज करके बहुत हिम्मत वाला काम किया है, वो भी उतने सारे लोगों के बीच। तुमने वाकई उसे टक्कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से ये कहानी बिल्कुल वहीं खत्म होती है। और भालुओं का क्या होगा? बच्चे हम उनसे नहीं जीत सकते। ये अरबों रुपए के लागत वाला उद्योग है और उनसे पंगा लेना आसान बात नहीं। लेकिन ये तो आपका काम है ना? याद है वो कटे पेड़? मैं ठीक वहीं काम करता हूँ। साउथ पुसेल्स, क्लेक आउट साउंड और पूरा वैंकूवर आइलैंड। तुम अगर 1,000 acres बचाओगे तो पूरा 20,000 acres और कटेगा, वो भी समझौते के रूप में। तुम नहीं जानते ये बहुत बड़े लोग हैं। ओह हाँ। लॉयड ब्लैकबर्न, PhD, पर्यावरण एक्सपर्ट, जंगल संरक्षक। क्या फायदा? हाँ, आपने वैल्करी वैली को बचाया है, उसे एक अच्छा पार्क बनाया है, आपने ऑर्डर ऑफ कनाडा जीता है। लॉयड ब्लैकबर्न, Sector 5, उसे Sector 5 कहते हैं। Sector 5 ठीक इस आइलैंड का हिस्सा है और वो 2 महीने में वहां आ जाएंगे अगर उनका लाइसेंस पास हो गया तो। Continental log and lumber। ये जंगल बर्बाद हुआ तो सफेद भालू का नामो निशान मिट जाएगा और वो ऐसा ही करेंगे। वहां के एक एक पेड़ को काट डालेंगे, वो कुछ नहीं बचेगा। कोई पेड़ नहीं, कोई मछली नहीं, कुछ भी नहीं। ब्रीडिंग ग्राउंड्स। 1 मिनट, ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उन भालुओं की पूरी गिनती नहीं है हमारे पास। ब्रीडिंग ग्राउंड्स, हाँ शायद वो वहां रहते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। एक बात तो तय है, साइमन की कटाई होकर रहेगी। मुझे पता है ये बात, लेकिन हजारों साल पुराने जंगल को काटना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एक बात याद रखना, ये पेड़ भालुओं को नहीं बचा सकते, लेकिन ये भालू पेड़ों को जरूर बचा सकते हैं। हम अपने जंगलों को बचा कर रहेंगे। मुझे लगा था वो एक आदिवंशी है। आदिवासी? हाँ भाई, तो वो भालू जंगल को बचा सकते हैं। क्या वो भालू अच्छे लड़ाकू होते हैं? वायु की शक्ति का इस्तेमाल करें, इस नई तकनीक से पर्यावरण को साफ करें। पागल है। क्या हमको लगता है ये कोर्ट वाले उनकी बात मानेंगे? ये लोग तो बिल्कुल ही अलग दुनिया में जीते हैं। इन कोर्ट वालों के पास पैसा है, ताकत है, हमें इन्हें समझाना होगा। पता नहीं कैसे, पर ऐसे तो नहीं। पेड़ों को काटना बंद करो। ये एक बिल्कुल ही अलग प्रजाति है। पेड़ों को काटना बंद करो। अलग प्रजाति? जैक्सन आओ मेरे साथ, आ
अगर हम ये साबित कर सके कि वो अलग प्रजाति है या फिर हम ये बता सके कि वो जेनेटिकली सबसे अलग है, हटके है। ओके मेरा मतलब अल्बाइनो नहीं, एकदम ही अलग प्रजाति। भटकते हुए पोला बेर? नहीं, वो जबरदस्ती घुसकर हजारों साल पुराने जंगलों को बर्बाद करेंगे। एक पानी की बोतल प्लीज। थैंक्स। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। अगर हम ये साबित कर सके कि उन भालुओं की जीन्स बिल्कुल अलग है, जेनेटिकली एकदम अलग, तो फिर हम इस पॉइंट पर हम लड़ सकते हैं। थैंक्स। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम विज्ञान के सारे लड़ सकते हैं। संरक्षित प्रजाति जैसे बंगाल के टाइगर और चाइना के पांडा। वाह। लेकिन साबित कैसे करेंगे? सुनिए, आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। थैंक्स। ओके सॉरी। ठीक है, अलग जीन्स, संरक्षित और। लेकिन जैक्सन, तुम साबित कैसे करोगे? कैसे करूंगा? सबूत चाहिए ना। इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैक्सन, पेपर्स अभी तुम्हारे पास हो गया। CJXB, वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सजाला सबनेस, हमारी पर्यावरण मंत्री। आपका स्वागत है। हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछिए। हेलो मिस सबनेस। हेलो, बोलिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि आप ही मिनिस्टर रहें। धन्यवाद। बस इतना ही? हेलो हेलो, सिर्फ तारीफ करने आई थी, हर कॉलर ऐसा ही होना चाहिए। बेशक। हेलो सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो मिस सबनेस, मेरा नाम साइमन जैक्सन है। साइमन जैक्सन, भालू बचाओ आंदोलन, तुम बकिंगम पैलेस गए थे ना? जी बोलिए मिस्टर जैक्सन। सुनिए मैम, कॉन्टिनेंटल लॉगिंग और लंबर संस्था ने सेक्टर 5 की कटाई के लिए आपसे लाइसेंस मांगा है, जहाँ वो भालू रहते हैं। साइमन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम क्या कोई समझौता नहीं कर सकते जो हम सबकी भलाई के लिए हो। साइमन, हमारा जंगल विभाग इसकी, आपको पता है कि उससे स्पिरिट बेयर का नामो निशान मिट जाएगा? और आपको पता है कि स्पिरिट बेयर का एक जीन बाकी के भालुओं से बिल्कुल अलग है? वो कोई अल्बाइनो या किसी भी भालू से अलग, बिल्कुल अलग है। इसका यही मतलब होता है कि आप एक प्रजाति को बर्बाद करेंगी, पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। क्या ये बात आपको पता थी मैम? बहुत अच्छे बच्चे। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि एक लड़के ने, स्कूल के बच्चे ने, कॉन्टिनेंटल लॉग और लंबर संस्था पर ऐसे आरोप लगाए हैं। अलग प्रजाति, ऐसा कुछ भी नहीं जो इस बात को साबित कर सके। सबूत कहाँ है? हम भी जानना चाहते हैं, आखिर सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है साइमन? ये साबित कैसे करोगे? तुम ऐसी बात बिना सबूत के नहीं बोल सकते बेटा। अगर मैंने ऐसी बात की होती तो मुझ पर केस हो जाता, समझे तुम? हाँ हेलो, जरा एक सेकंड रुकना, सॉरी लॉयड का फोन है। ब्लैकबर्न। हाँ बोलिए। तुम काफी बहादुर है बच्चे। सुनो, एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका नाम है फर्गस डायोजनस। मेरे पास वक्त नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, अगर CLL को लाइसेंस मिल गया तो। तुम्हें पता है आज मैं क्या पका रहा हूँ? आप हमारी मदद करेंगे? माफ करना, पता है मैं अपना डिनर पका रहा था सुबह 10 बजे से। मुझे तो इसका स्क्रू ढीला लगता है जैक्सन। साइंटिस्ट है, DNA एक्सपर्ट। पता है तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम उन्हें ये साबित कर दो कि उनके मरने से उनका जीन हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तो क्या आप ये काम करेंगे? एक सेकेंड, मेरी बदमाश बिल्ली। कहां से ढूंढा तुमने इस पागल को? क्या कर रही? इधर आओ। वो मेरी फाइल से। अच्छा बताओ, कितने पैसे लगेंगे इस काम में? इस वक्त मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए हैं बस। हम पेपर में ऐड डाल सकते हैं। मैं आ गया। उसके लिए तुम्हें कुछ लाना होगा जिससे उसकी जीन का पता चल सके। अच्छा तो। हाँ, और एक जरूरी बात, वो सामने नहीं आते, छुपे रहते हैं। अगर तुम उसका DNA ले आए तो मैं पता लगाऊंगा। तो क्या कहते हो?
लेकिन जाओ शिकार करो। थैंक्स अ लॉट। डीएनए क्या इसकी चोरी कर सकते हैं? अच्छा कहाँ से? जीन स्टोर से। जोक था तुम समझे नहीं। जंगल से लेकर आओ। जंगल से? अच्छा वहाँ सिर्फ प्लेन जा सकते हैं, प्राइवेट प्लेन। हाँ रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सोसाइटी। लॉयड वहाँ हमेशा जाते रहते हैं, मैं उनके साथ जा सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम भी चलो हमारे साथ। सोचूंगी। यस। प्राइवेट प्लेन से आइलैंड पर, किसी पिकनिक जैसा होगा। बहुत मजा आएगा, तुम उन भालू को इतने पास से देख सकती हो। मैं भालू हूँ। इतने पास से अगर वो दिख गए तो? अगर दिख गया तो फर्डी हारेगा। ये तुम्हारे लिए? हाँ मेरे पापा हैं सौतेले। मैं घर जा रहा हूँ, तुम साथ आ रही हो? हाँ ये है साइमन। ओ हाँ कैसे हो बच्चे? साइमन ये मेरे पापा हैं फ्रैंक। बाय। तुम ठीक तो हो ना जैक्सन? चोरी करना काफी नहीं था, अब इस लड़के को दोस्त बना लिया। वो एक अच्छा लड़का है। क्या बात है, पापा का दुश्मन बेटी का दोस्त। हाँ कम से कम वो किसी चीज के लिए लड़ तो सकता है। इससे बेहतर नजारे ऊपर है। चलो साइमन जल्दी ऊपर चले। आ जाओ। स्मिथ
फॉल्स में कल की भयंकर आंधी सिर्फ कुछ मिनट की ही थी, लेकिन उसके कारण वहाँ के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इस जगह का पौराणिक महत्व है, लेकिन हमें इस जगह को आप जिस छुट्टियों के लिए पैसे बचा रहे थे, अब वक्त है उसे खर्च करने। इस रास्ते से चलते हैं, झील यहीं कहीं पर है। तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? संभल के फिसलन है। बच्चे, ये मेरे रोज का काम है। लाइट देखिए। क्या है वहां? भालू के बाल, इससे डीएनए मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, वो भालू भी कहीं आसपास ही होगा। इसमें डालो। ठीक है, इससे डीएनए मिल जाना चाहिए, कहीं किसी दूसरे जानवर का ना हो, पर पता नहीं किसी और का भी हो सकता है। लॉयड, शायद इससे हमारा काम बन जाएगा। बाप रे, साइमन, साइमन, क्या हुआ लॉयड? वो देखो, ज्यादा नजदीक मत जाओ। दोस्त, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बहुत बहादुर हो बच्चे, भालू डरपोक नहीं होते और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। ये क्या वही वाला भालू था जिससे तुम पहले मिले थे? नहीं पता नहीं, सब एक ही तरह के दिखते हैं। ये वाकई बहुत बहादुर है। बच्चे लॉयड, ये देखिए, मुझे मुझे इन पेड़ों से कितना प्यार है। ये क्या तुम्हारे हाथ में? CLL, लगता है उन्हें कटाई का लाइसेंस मिल गया। कब? और वो भी इतनी जल्दी? लॉयड, हम इन पेड़ों को नहीं बचा सकते।
जहाँ है वहाँ राह है साइमन जैक्सन के लिए। पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाए मिस्टर जैक्सन अभी प्रिंसेस रॉयल आइलैंड के दौरे से आए हैं। ये पेड़ काटने वाले उद्योगपतियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहाँ का पर्यावरण राष्ट्रीय संपत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। अगर यहाँ के पेड़ काटे जाते हैं तो ये दुनिया के लिए हानिकारक होगा और इन स्पिरिट बेयर्स के लिए भी। देखो एलिस, इसे मैं जानता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से साइमन लगातार स्कूलों और क्लबों में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। उनका स्पिरिट बेयर युवा संगठन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा युवा अभियान है जिसमें लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया है। लेकिन अब उनका खुलकर सीएलएल संस्था के आइलैंड पर कटाई करने के लाइसेंस के खिलाफ बोलना एक बड़ा निर्णय होगा। अब हमें ये देखना है कि वो इस कार्य में कामयाब होते हैं या नहीं। हम पूरी तरह से उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक नैतिक संस्था को कभी भी सेक्टर 5 में कटाई नहीं करनी चाहिए। इस भालू की प्रजाति के घर को बचाने के लिए हम उनके खिलाफ मोर्चा करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि वो इस आइलैंड की लकड़ी को ना खरीदे और उन पेड़ों से बनाए गए किसी भी लकड़ी की चीज को ना खरीदे। आप सभी को इसमें हमारा साथ देना होगा। इन हजारों साल पुराने बेशकीमती जंगल को हम कटने नहीं देंगे। आपके मीटिंग का समय हो गया है मिस्टर परड्यू। आ रहा हूं। वैसे एक बात है, वो हमेशा नए लड़कों को फेल करते हैं, शायद ये उनका नियम हो। साइमन सुनो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप जरा बाहर आएंगे? क्या तुम्हें लाइसेंस मिल गया? मिल गया, अब देखिए मैं कैसे चलाता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हें जल्दी काम करना है या सही काम करना है। देखिए वक्त बहुत कम है, ओके? उन पेड़ों पर टैक्स लग चुके हैं। देखिए आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। लेकिन साइमन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, इस पे वक्त लगेगा। तो और कितना वक्त लगेगा? हाँ आराम से, मुझे अभी काले और भूरे भालुओं के रिजल्ट मिलाने बाकी हैं। मेरा मतलब तुलना करना। तो कब करोगे? हाँ बस यही एक तरीका है इस बात को साबित करने का। क्या कहना चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा। वहां पर अगर एक आवाज उन्हें इतना परेशान कर सकती है तो हम सब की आवाज उन्हें पूरी तरह हिला सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पिरिट बेयर का क्या होगा, इसलिए हमें मिलकर उन्हें जागरूक करना होगा। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उस जंगल को बचाना जहां वो भालू जिंदा रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये लकड़ी उस पुराने जंगल से तो नहीं है ना? मैं समझी नहीं। बेटा कौन सा जंगल? वो जंगल जहाँ स्पिरिट बेयर रहते हैं। नहीं सर, ये उस जंगल से नहीं, आप इसे खरीद सकते हैं।
ओके थैंक यू। साइमन 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 सॉरी सॉरी, तुम्हारे सपने में क्या भालू आए थे? आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से कहीं ज्यादा भालुओं पर है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक खास नियम बनाया है और वो है एक्स्ट्रा क्लास। मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास? ये क्या है? लॉयड ब्लैक। साइमन मुझे कोई फर्क नहीं। ब्लैकबर्न ऑर्डर ऑफ कैनेडा, लॉयड ब्लैकबर्न। बात कर लो। हेलो, हाँ बस एक सेकेंड रुकिए। हाँ बोलिए। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उस आइलैंड में साझेदारी रखने वाले सभी शामिल होंगे। वैसे ये साझेदार क्या है लॉयड? वही जो हमेशा बीड़ा उठाते हैं, आदिवासियों के नेता, इको फ्रेंडली टूरिज्म वाले सारे नाटकबाज। आने दीजिए, सबसे बात करेंगे। बुरी खबर क्या है? वो ये है कि मिनिस्टर अभी भी कटाई नहीं रोक रहा है और पर्ड्यू तो इस सभा को बिल्कुल बेकार बता रहा है। उसे आसानी से लाइसेंस जो मिल गया। तो इस सब का क्या फायदा है? बेकार है ये सभा। अगर वो लोग आए ही नहीं तो हम बात किससे करेंगे? ये सब सरकार की चाल है साइमन, जो वो दोनों तरफ से खेल रही है। तुम अपना विद्रोह जारी रखो, पर्ड्यू घुटने टेकेगा शायद। ठीक है, थैंक्स, बाय। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। हम अंधाधुंध कटाई के सख्त खिलाफ हैं। कॉन्टिनेंटल लॉग और लंबर संस्था को इसका जवाब हर हाल में देना होगा। इस पेटिशन पर साइन कीजिए और स्पिरिट बेयर को बचाने में हमारी मदद कीजिए। तुमसे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी है। कब तक बात नहीं करोगे? ओके, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। तो तुमने छुपाया क्यों? हाँ, तुम मुझे कभी भी बता सकती थी। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। छोड़ो भी, मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूँ और मैं तुम्हारे साथ। तुम इस लड़ाई की बात नहीं करो तो बेहतर है। तुमने मुझे पता नहीं क्यों बेवकूफ बनाया है, या शायद अपने पापा को, या फिर मेरा साथ। पापा नहीं है। ओके, मेरे पापा पेंटर थे जो मर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। मैं एक समझदार लड़की हूँ और सोच समझ सकती हूँ। ओके, जाओ सोचो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसमें मेरे सौतेले पापा को मत घसीटो। बंद करो ये नाटक। तुम्हें पता है तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। अच्छा, मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है। तुम्हें हिंदी तो समझ में आती होगी।
इतनी जल्दी में क्यों? मुझे पहले ऑफिस जाना है, फिर बाजार जाना है। आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। साइमन कहाँ है? लौट गए। तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ, मतलब नहीं। क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? सॉरी, क्या मेरी फाइल देखी है तुमने? पर डैड। नहीं साइमन, तुम्हें ठीक से चलाना नहीं आता और आज बारिश भी होने वाली है, ठीक है? ये लो तुम्हारी फाइल, चलो बाय। लेकिन डैड। कहाँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, बाहर बहुत ट्रैफिक होगी। ठीक है, थैंक्स। बाय बेटा। स्कूल। सभी बड़े व्यापारियों ने प्रिंसेस रॉयल से आए लकड़ियों को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया है। इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये खतरा बढ़ता जाएगा और शायद हमें और खतरों का। सरकार हर पेड़ की कटाई पे कड़ी निगरानी रखती है ताकि संतुलित वातावरण बरकरार रहे। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले भालू की आड़ में अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम यहाँ कंगाल हो रहे हैं और ये लड़का यहाँ न जाने का। नहीं, हम ऐसी किसी भी तरह की सभा में नहीं जाने वाले। CLL अपना काम समझदारी से करती है और हमने ये लाइसेंस कानूनी तौर पर हासिल किया है और वो साइमन जैक्सन उस भालू के अलग होने का कोई भी सबूत नहीं ला पाया है और जिसके कारण पूरे उद्योग जगत को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कैरल जैक्सन, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये क्या तमाशा है? हमें परेशान मत करो। ज्यादा उलझता जा रहा है। कॉन्टिनेंटल लॉग एंड लंबर के सभा में जाने से इनकार के बावजूद साइमन जैक्सन आज बाकी के साझेदारों के साथ मोर्चे पर जाने वाले हैं। आइलैंड पर कटाई चालू होने के कारण साइमन भी चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए वो इस कटाई को रोकने के लिए जी जान से लड़ेंगे और शायद ये मामला और भी गंभीर हो सकता है। हेलो, मैंने कहा ना कि ओह हाय, तुम हो, सॉरी। बोलो, कार तो नहीं है? क्यों, क्या हुआ? तरफ। Excuse me. Jackson. Simon. Simon. Jackson. वोरा साइमन। Thank you. आराम से मम्मी, आराम से। तुम्हें मना किया था ना? अब इसे डांटो मत। बहुत हो गया बेटे, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। तुम्हें पता है ये एक हमला था। और वो फोन? बस अब कुछ नहीं बेटे। पर नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा। साइमन, वो भालू, उसने मेरी जान बचाई और अब मैं उसकी जान बचाऊंगा। आप लोगों ने ही मुझे लड़ना सिखाया और आप लोग ही मुझे रोक रहे। तुम्हारी जान को खतरा है साइमन। हाँ मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को मुझ पर गर्व था ना? हमें अब भी तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम लोगों को जागरूक करने का था और तुमने वो कर दिखाया बेटा।
चलो। तुमने जो कुछ भी किया है सब सही किया है और हम जानते हैं, पर अब बहुत हुआ। क्या बात है साइमन, तुम्हारी तरह सारे युवा हो जाएं तो इस देश का उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। और पता है, तुम्हें देखकर मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं भी तुम्हारी तरह पर्यावरण बचाने के आंदोलन में गई थी। उस वक्त ऐसा कोई ओ साइमन बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ एक बार मैम, बहुत जरूरी कॉल है। साइमन पता है तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के बीच में अनुशासन। रॉबर्ट केनेडी जूनियर का कॉल है। क्या बोला तुमने? रॉबर्ट केनेडी जूनियर, वो पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं। फोन पर रॉबर्ट केनेडी जूनियर है? हाँ वही। मुझे पता है वो कौन है, जाओ जाओ बात करो। हेलो हेलो सर। हाँ सच में बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हम कामयाब हुए, सीएलएल को अभी आइलैंड पर कटाई करने से रोक दिया गया है। हाँ सर बोलिए। ये तो अच्छी बात है। और पता है वो हमसे स्पिरिट बेयर और आइलैंड के बारे में बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो मीटिंग में आने वाले हैं, हम उन्हें मनवा कर ही रहेंगे। वाह बहुत अच्छे साइमन। थैंक यू सर, थैंक यू। बात कर लो, ये ओपरा का फोन हो सकता है। हेलो कौन? ओपरा? क्या मजाक कर रहा हूँ। लॉयड कहाँ है आप? हे लॉयड, अच्छी खबर है ना? तो तुम्हें पता नहीं चला क्या? यही कि पर्ड्यू अब मीटिंग में आने के लिए तैयार है। हाँ पता है मुझे, पर वहां तुम नहीं होगे। स्पिरिट बेयर युवा संगठन को वहां बुलाया नहीं गया है। तुम निराश मत होना बच्चे। See you. पर... फ्रैंक सॉरी। क्या? मैं सोच रही थी कि अगर वो भालू बाकी भालुओं से बहुत ही अलग है तो मुझे इस पर बात नहीं करनी है। अगर वो अलग है तो क्या आप मान जाएंगे? मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। अलग हुआ तो आज मेरे पास जो है, तुम्हारे पास जो है, ये घर, ये कार, ये सोफा, सब मेरे बिजनेस से है, ये मेरा काम है। मेरा सवाल ये नहीं था। ओके, अगर वो भालू बाकी भालुओं से अलग हुआ तो वो बिल्कुल ही अलग हुआ तो और उस आइलैंड के पेड़ों की कटाई से स्पिरिट बेयर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? इससे क्या होगा, वो हमें अंदर नहीं जाने देंगे। मुझे पता है साइमन, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब बस हमें तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार है। अभी नहीं, मुझे दो दिन और चाहिए। दो दिनों में तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। हे, इस काम में वक्त लगता है। हमें तुम्हारी और रिजल्ट की जरूरत है अभी। मैं वहां बिल्कुल नहीं आऊंगा, सबके सब चोर हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है। ऐसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। वहां तुम्हारी जरूरत होगी, तुम एक्सपर्ट हो, तुम उन्हें बताओगे। नहीं चलो भी फॉरगेस, ये सीएलएल वाले बहुत शातिर हैं, इनके कारण तुम्हें भी नुकसान हुआ था, तुम्हारी मछलियां। हाँ तुम भूल गए क्या? नहीं पागल कहीं का। मैं वहां जा रहा हूं, और अगर वो नहीं है तो मैं उसे उठा कर लाऊंगा। पर इससे क्या होगा साइमन, अब मैं पीछे नहीं हट सकता।
सिर्फ 2 दिन की बात है, 48 घंटे बचे हैं। अगर फर्गस रिजल्ट लेकर भी आता है या लॉयड उसे लेकर आते हैं, तभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब तक सब खत्म हो जाएगा, सभी को आइलैंड का हिस्सा मिल जाएगा सिवाय उन भालुओं के। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। साइमन, सब कुछ ठीक होगा, बात तो कह रहे हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, हमें भी उसका हिस्सा होना चाहिए था, हमें भी बात करने का मौका मिलना चाहिए। आदिवासियों को उनकी जमीन चाहिए, CLL को पेड़, कर्मचारियों को काम चाहिए, किसी को भी उन बेचारे भालुओं की कोई फिक्र नहीं है, सब अपने काम में जुटे हैं। हमें वहाँ होना चाहिए, पर हम तो वहाँ है ही नहीं ना। क्या फ्रंट रो, ये किसने भेजा है डैड? क्या है ये? कौन? द ट्रूज रॉक बैंड है। तो तुम जा रहे हो? आप जाने देंगे? ये नहीं चाहिए, कार से पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू, मैं बस से चला जाऊंगा। कैसे हो? कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा काम कर रहे हो। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? मुझे भी कुछ करना था। क्या आपको पता है साइमन स्पिरिट बैग को बचाना चाहता है? स्पिरिट बैग यहाँ के पास वाले आइलैंड पर रहते हैं, कुछ लोग उनका घर उजाड़ रहे हैं। आगे आपको साइमन खुद बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइमन जैक्सन। वो लोग बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं,
वो लोग हमारे भविष्य का निर्णय हमसे बिना पूछे ले रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, हमारे हक के खिलाफ है। दुनिया भर में कई लड़ाइयाँ होती हैं और ये सब वो बस पैसे वाले प्राकृतिक खजानों को लूटने के लिए करते हैं। वो स्वार्थी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए पर्यावरण नष्ट करते हैं। हमारी पीढ़ी को ये सारी बातें समझनी होंगी। ये वही पीढ़ी है जिसने जर्मनी में बर्लिन को बांटने वाली दीवार को गिराया था। ये वही पीढ़ी है जिसने नेल्सन मंडेला को रिहा करवाया था। और आज इसकी आवाज, इस पीढ़ी की आवाज अपने भविष्य के आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाएगा। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आज रात इसकी शुरुआत होगी स्पिरिट बेयर को बचाकर, हमारे सेक्टर 5 की कटाई को रुकवाकर, उन स्वार्थी लोगों के साथ बैठकर प्रिंसेस रॉयल आइलैंड के बारे में बातचीत करनी होगी। और मुझे उम्मीद है, मैं जानता हूं कि हम मिलकर एक साथ स्पिरिट बेयर को बचाएंगे, दुनिया को बचाएंगे। क्या आप लोग अभी चुप बैठेंगे? नहीं, हम मीटिंग में जाएंगे। सिर्फ एक दिन बचा है। सिर्फ एक दिन, 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 सिर्फ एक दिन। आज पर्यावरण मंत्रालय को पहली बार एक दिन में इतने सारे फोन कॉल्स आए हैं, इसलिए हम युवा पीढ़ी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। हमारी सरकार प्रिंसेस रॉयल आइलैंड के विषय में युवा पीढ़ी के मत और उनके सुझाव को सुनेगी और उन पर अमल भी करेगी। इसीलिए हमने साइमन जैक्सन और स्पिरिट बेयर युवा संगठन को इस मीटिंग में शामिल भी किया है। इस मीटिंग में निकाले गए नतीजे को पार्लियामेंट में बिल के तौर पर भेजा जाएगा। आप तो सबका धन्यवाद जिसने च्यूज के कॉन्सर्ट में भाषण दिया। च्यूज नहीं, ट्रूज। मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा मेरी बेटी के लिए? हाँ, थैंक्स। थैंक यू। हाय, वहां की झीलें बर्बाद होंगी, मछलियां मर जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि टूरिज्म से इतने पैसे आ सकते हैं जितने की लकड़ी के व्यापार से? मुझे नहीं लगता। लेकिन जंगल वापस नहीं आते। वो हमारा घर है। एक मिनट, इस पर बात हो चुकी है। CLL सेक्टर 5 की कटाई करेगा, कल इसका फैसला हो चुका है। तो क्या हम अब आगे बात करें? सेक्टर 5? नहीं नहीं, वो सारे स्पिरिट बेयर वहीं रहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। नहीं, हम वहाँ रीफॉरेस्टेशन कितने सालों में, सारे पेड़ काटने के बाद वहाँ पत्थर और बंजर जमीन के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ कुछ नहीं उग सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो वहाँ के भालू कहाँ जाएंगे? वो तो बेचारे बेघर हो जाएंगे ना, और वहाँ कुछ भी उगने के लिए 100 साल लगेंगे। रीफॉरेस्टेशन ये झूठ है, आप झूठे हैं। साइमन, फैसला हो चुका था तो मुझे यहां क्यों बुलाया? हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए। आप ये नहीं समझ सकते साइमन, वो भालू दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ यही हैं, वो अलग हैं। तुम अभी तक साबित नहीं कर सके, जब सबूत मिल जाए तो दावा करना। ओके, संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। नहीं है? ओ लॉर्ड,
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह होने वाली है। फर्गस, फैसला बदल भी सकता है। चलिए, मीटिंग की कार्रवाई शुरू होने वाली है, आइए। चलो चलो चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। आदिवासी नेता, टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यावरण संरक्षक, कर्मचारी नेता, सहकारी अधिकारी, लंबर उद्योग और बाकी सारे साझेदार, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि काफी नैतिक बहस के बाद हम सब सहमति से और रजामंदी से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रिंसेस रॉयल आइलैंड के सिर्फ सेक्टर 5 में कटाई का काम जारी रहेगा। आजा, आजा, आजा। अभी ये फैसला बिल के रूप में पार्लियामेंट में जाएगा। मुझे विश्वास है कि वहाँ भी ये पास हो जाएगा। जाओ। हालांकि इस फैसले से सभी सहमत नहीं हैं, लेकिन हर डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है जिसकी स्पिरिट बेयर जेनेटिकली सबसे अलग है। दूसरे भालुओं से अलग, एक अल्बाइनो भालू से अलग और किसी भी पोलार बेर से अलग, सबसे बिल्कुल अलग, एक अलग प्रजाति। ये रहा सबूत। मैडम, ये डेटा, ये जो भी है, ये बिल्कुल बकवास है। ये सारा का सारा झूठ है। इसके लेखक हैं फर्गस डायोजनीस, PhD। मैं नहीं जानता, शायद कोई पागल पर्यावरण संरक्षक होगा। हाय मैडम, आपके मंत्रालय में मिस्टर डायोजनीस ने सैल्मन मछली के जीन पर रिसर्च किया था 2 साल पहले। इन्होंने दुनिया भर में कई जेनेटिक रिसर्च किए हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। बोलिए। यूरसस अमेरिकनस कोमोडोई, ये उसका नाम है, एक अलग प्रजाति जिसकी जीन को बचाना बहुत जरूरी है। साफ शब्दों में कहा जाए, अगर आइलैंड तबाह हुआ तो सफेद भालू भी नहीं बचेगा। लॉयड ब्लैकबर्न, ऑर्डर ऑफ कैनेडा। वाकई एक हीरो हो साइमन। हाँ।
When I told them why, they said I'm just getting older. And when it comes around, the face is getting colder. So nobody's sure, you just do your best. And maybe someday you'll sell the earth. I have to find a home, a place that's made to measure. They keep on telling me the pain is worth the pleasure. So nobody's sure, you just do your best, and maybe someday you'll sell the earth. Sell.